रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट। अगर आप देखोगे रोसार्च टेस्ट या फिर रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट या फिर खाली इंक ब्लॉट टेस्ट, ये सारे किसके लिए आते हैं, इन सबका एक ही नाम है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पर रोसार्च के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम रोसार्च के बारे में बात करें तो ये 1921 में क्रिएट करा गया था। कब क्रिएट करा गया था? 1921 में। जिनका नाम क्या था? हरमन रोसार्च। रोसार्च का फुल नेम क्या है? हरमन रोसार्च, राइट। कहाँ के साइंटिस्ट थे ये? स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ओके। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको कहाँ पर? यूजीसी नेट में पूछ सकते हैं, राइट। 1921 में स्विस साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम हरमन रोसार्च था, उनके द्वारा ये क्रिएट करा गया था। इसको हम किस और नाम से जानते हैं? इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टिव टेक्निक। नाउ कुछ लोगों को शायद ना पता हो व्हाट डू मीन बाय द प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्रोजेक्टिव टेक्निक मीन्स ये आपकी जो प्रोजेक्टिव है ये किसको प्रोजेक्ट कर रही है? ये प्रोजेक्ट कर रही है आपके अनकॉन्शियस माइंड को। अनकॉन्शियस मीन्स कि जो आपके मन में चल रहा है और जिसे आप बताना नहीं चाह रहे हैं, बता नहीं सकते हैं। जैसे कि आपके मन में कोई डार्क डिजायर चल रही है, राइट। तो उसको कैसे ना कैसे करके आप प्रोजेक्ट कर ही दोगे। प्रोजेक्ट कर दोगे इन द सेंस आप उसे डायरेक्ट नहीं बताओगे, लेकिन जो उसके थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू आपको वो चीज दिखने लग जाएगी, आप उससे रिलेटेड बात करने लग जाओगे, राइट। तो ये क्या होती है? ये आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। इससे क्या होता है कि जैसे कि क्रिमिनल्स लोग जो होते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए अगर हम इसे यूज करते हैं, तो जो पर्सन होता है, पर्सन को पता ही नहीं चल पाता कि उसके बारे में कि वो क्या कर रहा है। वो उसे डिस्क्राइब कर रहा है, अपने थॉट्स के थ्रू उसे डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि अगर मैं किसी के बारे में बात करता हूँ कि उसको बहुत ज्यादा पैसे पैसा है, मनी मनी, राइट। उसको सारे टाइम मनी मनी चलता रहता है, तो आप देखोगे कि वो बात भी किसकी करेगा? मनी से रिलेटेड। आप कोई बिजनेस की स्टार्ट करोगे तो बिजनेस का जो कोर पार्ट है उससे उसे लेना देना नहीं है। वो किस में जाएगा कि यार पैसा कितना आ जाएगा, कितना पैसा लग जाएगा, कितने टाइम तक हमारा पैसा वापस रिटर्न हो जाएगा, क्या प्रॉफिट रहेगा, कितना प्रॉफिट रहेगा। यानी कि उसकी जो सारी चीजें किसके रिवॉल्व रहेंगी? मनी के अराउंड रिवॉल्व रहेगी। तो अनकॉन्शियस माइंड पर उसके कहीं ना कहीं क्या इफेक्ट रहता ही रहता है उस पर्टिकुलर चीज का। और उन अनकॉन्शियस थॉट्स को जानने के लिए हम किन चीजों का यूज करते हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज करते हैं। उन प्रोजेक्टिव टेक्निक में से एक टेक्निक आपकी क्या है? रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। तो रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट के बारे में जान लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक रे डायग्राम बना रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमने बात करी है रोसार्च टेस्ट के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ द 10 इंक ब्लॉट इमेजेस। कितनी इमेजेस? 10 इमेजेस होती हैं, जिसमें से 5 क्या होती है आपकी? ब्लैक एंड व्हाइट होती है, और 5 आपकी क्या होती है? कलर होती है। जो हमारी 10 इमेजेस होती है वो क्या होती है? एम्बिगस होती है, मतलब डिफर डिफर होती है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर की भी या फिर साइज और शेप की हो सकती है। रेस्पोंडेंट्स आर द फ्री टू इंटरप्ट। और जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं, दे आर फ्री टू इंटरप्ट एनीथिंग। वो उस इमेज को किसी भी तरीके से देख सकते हैं, कैसे भी देख सकते हैं, और जो उनके मन में आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो, सही गलत, वेदर इट्स इन द इमेज और नॉट, वो उसको क्या करते हैं? वो उसको बताते हैं, ओके। तो ये था आपका रोसार्च इंक ब्लॉट के टेस्ट में। और क्या क्या था? क्रिएटेड इन 1921, ये तो हमने ऊपर देखा है। टाइप ऑफ द प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिक टेस्ट, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया। किस किस के लिए? एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, एडल्ट के लिए भी रहता है, और एडोलेसेंट एज के लिए भी रहता है। तो दोनों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। हेल्प टू एग्जामिन इमोशनल फंक्शन, पर्सनैलिटी एंड मेंटल डिसऑर्डर, की बच्चे के अंदर डिसऑर्डर है या एडोलेसेंट के या फिर एडल्ट के अंदर डिसऑर्डर है, यानी क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या उसकी इमोशनल फंक्शन चल रहे हैं। तो इन सारी चीजों का आपको यहाँ पर रोसार्च इंक ब्लॉट के टेस्ट के बारे में ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैंने आपको और बता देता हूँ। कंसिस्ट ऑफ द 10 इंक ब्लॉट टेस्ट कार्ड, राइट। 10 इंक ब्लॉट कार्ड होते हैं। इन कार्ड्स पर क्या बन रखी होती है? इमेजेस बन रखी होती है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, राइट। कार्ड का साइज क्या होता है? 24x17 सेंटीमीटर साइज विद द इंक ब्लॉट प्रिंटेड ऑन देम। इंक ब्लॉट मतलब कि शाही के धब्बे, इट लाइक समथिंग लाइक दैट, ये शाही है फिर ये शाही है, राइट। इस तरीके कुछ ऐसे धब्बे होते हैं, ओके। तो आउट ऑफ द 10 कार्ड 5 आर द एक्रोमेटिक, 2 कार्ड्स आर द ब्लैक एंड रेड, एंड 5 आर द पॉलीक्रोमेटिक। अब आप कहोगे सर ये एक्रोमेटिक पॉलीक्रोमेटिक क्या है, वो भी देखेंगे। देखिए 5 आपके क्या है? एक्रोमेटिक है, 2 कार्ड आपके ब्लैक एंड रेड है,
तीन कार्ड आपके पॉलीक्रोमेटिक है, पॉलीक्रोमेटिक में आपके आगे पिंक ब्लॉट्स हैं, उसमें ग्रीन कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया और ऑरेंज कलर आ गया है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, अरेंजमेंट बिगिंस विद कार्ड नंबर 1 एंड एंड एट द कार्ड नंबर 10 इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। ये जो कार्ड होते हैं वो किस में लगे रहते हैं? सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगे रहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हम किसी भी कार्ड को उठा सकते हैं, किसी भी कार्ड को आप उठा सकते हैं, बट इट शुड बी इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। जब आप उसके सामने पेशेंट के सामने इंक ब्लॉट टेस्ट कर रहे होते हैं तो पहले कार्ड 1 जाएगा, फिर कार्ड 2 जाएगा जो उसका सीरियल नंबर, राइट? तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में ये जाना चाहिए। अब देखिए हम बात कर रहे थे एक्रोमेटिक की, तो यहाँ पर क्या है, कार्ड नंबर 1st, 4th, 5th, 6th एंड 7th, यानी कि ये 5 कार्ड क्या है, आर प्रिंटेड इन द ब्लैक विच आर कॉल्ड एज द ब्लैक एंड व्हाइट। जिसे हम ब्लैक में प्रिंट होते हैं और जिसका बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट होते हैं, जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं, दैट इज एक्रोमेटिक। ओके, कार्ड नंबर 2nd, 3rd, 8th, 9th एंड 10th आर कंटेन 2 or more कलर, इनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कलर होते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिक का। ओके, रोसार्ज फाउंड दैट जनरली आंसर इज गिव बिटवीन 15 to 13 टोटल रेस्पॉन्सेज टू द 10 फिगर। जो 10 फिगर हैं उनके जो रेस्पॉन्सेज कितने आते हैं, 15 से 30 रेस्पॉन्सेज एज एन एवरेज हर एक इंडिविजुअल देता ही देता है। जो डिप्रेस पेशेंट होते हैं वो इससे कम आपको आंसर देंगे, यानी कि वो 10 आंसर दे सकते हैं। 10 कार्ड है, आपको क्या दिख रहा है, आपने एक इमेज बता दी, राइट? लेकिन जो नॉर्मल या फिर जो हेल्दी माइंड होंगे वो कितने देंगे, इन बिटवीन 15 to 30, और जो एकदम हैप्पी माइंड होंगे वो 30 से भी ज्यादा दे देंगे, 15 से कम डिप्रेस, इन बिटवीन 15 to 30 नॉर्मल। जो ज्यादा हैप्पी रहते हैं दे गिव 30+ रेस्पॉन्स। ओके, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये आप हमारी बात होगी किसकी, यहाँ पर हमारी बात होगी रोसार्ज की, डिस्क्रिप्शन की। अब बात करते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की। द रोसार्ज टेस्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर पेशेंट फ्रॉम द एज 5 to द अडल्टहुड। 5 साल से अडल्टहुड तक के बच्चों के लिए या फिर अडल्ट के लिए क्या है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। क्या क्या मटीरियल रिक्वायर होता है, सबसे पहले रोसार्ज कार्ड होते हैं, जो कि आपको पता ही है कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। लोकेशन चार्ट, लोकेशन चार्ट में क्या होता है, ए प्रिंटेड सिंगल शीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग 10 रोसार्ज इमेजेस। जो क्या है, रोसार्ज इमेजेस क्या है, उस चार्ट के ऊपर बनी हुई है। कितनी इमेजेस होंगी, 10 इमेजेस इस चार्ट के ऊपर क्या हुए हैं, बनी हुई है। रेस्पॉन्स शीट स्पेशली डिजाइन प्लेन शीट ऑफ द पेपर टू रिकॉर्ड द रेस्पॉन्सेज ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट के जो रेस्पॉन्सेज हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी मजेदार वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कलर 4th नंबर पे आ जाते हैं, कलर इंक पेन सेट, इस सेट ऑफ द कितने कलर इंक तो हो सकते हैं, 6 कलर इंक पेन टू मार्क द ब्लॉट एरियाज ऑफ द लोकेशन चार्टेड। जो लोकेशन चार्टेड में है वहां पर कहां कहां जो धब्बे हैं उसको कलर करने के लिए, या फिर जो रिस्पॉन्स जो दे रहा है आपका जो पेशेंट उनको वहां पर मार्क करने के लिए, दे आर 6 इंक पेन, ये जेल पेन भी हो सकते हैं, राइट, ये आपके मार्कर भी हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। ओके, इसका 5th जो होता है वो होता है आपका डिजिटल स्टॉप वॉच। आई होप सबको पता हो डिजिटल स्टॉप किसके लिए लेंगे, टाइमिंग के लिए, कि कितना एज ए पर्सन एक इंडिविजुअल टाइम कितना ले रहा है एक क्वेश्चन को या फिर एक इमेज को इंटरप्रेट करने के लिए, या फिर वो उसके रिस्पॉन्स कैसे हैं, राइट? नॉर्मली आपकी इसमें रिकॉर्ड नहीं करा जाता है, बट इट विल सी कि जो इंडिविजुअल है वो कितना टाइम ले रहा है एक इमेज को सोचने या समझने के लिए। नंबर 6 पे आता है आपका रोसार्ज टेस्ट मैनुअल। रोसार्ज टेस्ट मैनुअल इसलिए कि आपको रेफरेंस करने के लिए और स्कोरिंग करने के लिए। अब देखें यहाँ पर हमने किसकी बात करी थी, यहाँ पर हमने आपकी बात करी थी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपका क्या रहता है कि जो आपका एग्जामिनर रहता है, जो आपका रोसार्ज इंक ब्लॉट टेस्ट ले रहा है, वो क्या देखेगा कि जो इंडिविजुअल की स्टिमुलस मतलब वो किस तरीके से कहाँ कहाँ आई कॉन्टेक्ट कर रहा है, राइट? कार्ड की पोजिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया है ये कार्ड की पोजीशन है, इसमें पॉसिबल पर्सन यहाँ से देखे, क्या पता वो इस तरफ से कार्ड को देखे, इस तरफ से देखे या इस तरफ से देखे, राइट? तो अलग अलग पोजीशन से भी एज एन इंडिविजुअल वो उस कार्ड को देख सकता है। क्या क्या वो वर्ड यूज कर रहा है इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वर्बेटिव, दैट मीन्स वो उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, राइट? लेंथ ऑफ द टाइम टेकन बाय द पेशेंट और द क्लाइंट, कि वो कितना टाइम ले रहा है उस इमेज को बताने में, राइट?
रेटिनल इमेज, रेटिनल इमेज का क्या मतलब होता है? रेटिनल इमेज मीन्स कि जो उसकी रेटिना है, जो उसका आई का जो रेटिना है वो किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, टॉप पे जा रहा है, बॉटम पे जा रहा है, राइट। ये सारी चीजें ऑल्सो जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन रहती है वो किस पर डिपेंड करती है? आपके एग्जामिनर पे। वो ये सारी चीजें आपकी रिपोर्ट करेगा कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस पोजीशन से कार्ड को पकड़ रखा है। इट मे पॉसिबल आप यहाँ से देखो तो इमेज अलग देखे और यहाँ से देखो तो अलग देखे, राइट। तो किस पोजिशन से आप पकड़ रहे हैं, किस तरीके से आप पकड़ रहे हैं, जो आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, कितना आप टाइम ले रहे हैं उसको रेस्पॉन्स को या फिर आंसर को बताने में, ये सारी चीजें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड करता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्कोरिंग, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपकी कोई भी वीडियो ना छूटे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep cutting lots of memory. This is Captain Short. Have a great day and thank you all of you.